सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग, होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं आज मेरे साथ है बजाज की दो बीस्ट, एक तरफ है दी बजाज की नेकेड स्पोर्ट 200 और एक तरफ है बजाज की रेस स्पोर्ट 200। जी हाँ भाई, NS 200 एंड RS 200। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग दोनों बाइक का जो है डिटेल कंपैरिजन करेंगे और बात करेंगे दोनों में से कौन सी ज्यादा बेटर है, दोनों में से किसको कौन सी लेनी चाहिए, किसको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं दोनों बाइक की ऑन रोड प्राइस की। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो करीब आपको 1,92,000 से 1,93,000 के पास आपको देखने को मिल जाएगी ऑन रोड, और जो RS है ये करीब आपको 2,05,000 से 2,07,000 के करीब जो है देखने को मिल जाएगी ऑन रोड। और ये ऑन रोड प्राइस जो है मैं वो आपको वाराणसी की बता रहा हूँ, प्राइस जो है वो वैरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट्स में। तो गाइस देख सकते हैं प्राइस में थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस मतलब 15,000 से 20,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। और ये तो रहा भाई ऑन रोड प्राइस। अब बात करते हैं गाइस, अगर मैं पहले लाइन में ही थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ कि देखिए दोनों मोटरसाइकिल का जो कैटेगरी है ना वो अलग है, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं, लेकिन ये जो है एक नेकेड कैटेगरी मोटरसाइकिल आती है, ये एक फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल है। तो अगर आपको फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल की तरफ जाना है तो आप डेफिनेटली RS की तरफ जा सकते हैं, वरना नेकेड की तरफ जाना है तो NS है भाई। अब बात करते हैं फ्रंट से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं दोनों बाइक में। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं 2024 में अपडेट करके LED DRS दे दिए गए हैं, LED हेडलाइट्स कर दिया गया है, फुल्ली LED सेटअप है, प्लस यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि हैजार्ड फ्लैशर कोई भी बाइक में नहीं है अभी भी, और नो डाउट काफ़ी ज़्यादा जो है अग्रेसिव लग रही है नए अपडेट के बाद NS 200। अब आपको RS 200 दिखा देते हैं भाई। तो RS 200 का देख सकते हैं भाई वही पुराना डिज़ाइन, और नो डाउट पुराना है बट आज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको LED DRS देखने को मिल जाते हैं, और जो प्रोजेक्टर है ना भाई इसमें डुअल प्रोजेक्टर है, हेलोजन है। तो आपको मैं एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आपको डुअल हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप देखने को मिलता है। इसकी लाइट्स है ना रात में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा व्यू प्रोवाइड करती हैं। और फ्रंट से सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको अब UHD सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, लेकिन RS में अभी भी कोई अपडेट नहीं, यहाँ पे आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है दोनों बाइक में। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है दोनों बाइक में जो है, फ्रंट और रियर में जो है 17 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ब्रेक साइज भी जो है एकदम सेम है, और टायर साइज भी आपको मतलब एकदम सेम देखने को मिलता है। फ्रंट में 300mm का डिस्क, रियर में 230। दोनों बाइक जो है डुअल चैनल ABS के साथ आती है। फ्रंट में 100x80 का आपको टायर साइज देखने को मिल जाता है, रियर में 130 सेक्शंस का आपको टायर साइज देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर ब्रेक्स और टायर्स देखते हैं तो उसमें आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। डिज़ाइन में डेफिनेटली डिफरेंस है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और गाइस अब आते हैं मीटर की तरफ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ भाई, इसका मतलब इस मीटर की बात ही अलग है भाई, एक अलग प्यार है। जब इसका आप देख सकते हैं नीडल ऊपर जाता है ना भाई, वो एक अलग एड्रेनलिन रश करता है भाई बॉडी में। इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो RPM रेंज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज और टाइम देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज, ये सब सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं। और अब आते हैं भाई NS की मीटर की तरफ। तो यहाँ पर आपको जो है कम्प्लीट फुल्ली डिजिटल मीटर है, हालाँकि ये मीटर जो है पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, प्लस आपको जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के मामले में ये आगे, लेकिन जो फील है भाई वो मुझे RS के मीटर में ही आता है। और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग का एक सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो ऑन द गो अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, आफ्टर मार्केट आपको नहीं जाना पड़ेगा। और दोनों बाइक में जो है क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिल जाते हैं, जो हैंडल बार से वो आपको लगभग जो है एक सिमिलर स्टाइल के देखने को मिल जाएंगे। अब जो है दोनों बाइक का आपको मैं एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूं। मैंने इसको स्टार्ट करते हैं, आइडलिंग पे है भाई अभी, अंडरबेली एग्जॉस्ट नोट है, और RS में जो है भाई आपको इस तरह का साइड माउंटेड एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है। तो दोनों में से किसका एग्जॉस्ट नोट आपको ज़्यादा बेटर लगता है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे। डेफिनेटली RS का थोड़ा सा ज़्यादा लाउड, थोड़ा ज़्यादा स्क्रीमी लगता है हायर RPMs पे। और
फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें जो है आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, इसमें जो है करीब 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। माइलेज आप दोनों से जो है लगभग 30 से 35 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग कंडीशन पे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ भाई। और थोड़ा सा जो फ्यूल टैंक है नेकेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उस डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा इसका फ्यूल टैंक ज़्यादा मस्कुलर लगता है। और फिर दोनों जो है E20 फ्यूल कंपैटिबल है डेफिनेटली, उसकी तो भाई फिर कोई सवाल ही नहीं है। दोनों में आपको सिमिलर इंजन देखने को मिल जाता है, 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फोर वाल्व का लिक्विड कूल सिक्स स्पीड गियरबॉक्स है, BS6 फेज 2 FI इंजन मिलता है, जो मैक्स पावर भाई अराउंड 24.1 PS की जनरेट करता है और 9750 RPM पे, एंड टॉर्क जनरेट करता है भाई अराउंड 18.7 न्यूटन मीटर्स का 8000 RPM पे। इसका कवरेज जो है अराउंड 156 से 158 किलो के कवरेज के साथ आती है। ये इसका कवरेज जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, ये जो है अराउंड 166 किलो का कवरेज के साथ आती है। लेकिन सरप्राइजिंगली देखा जाए, अगर दोनों में आप एक ड्रैग परफॉर्म करते हैं तो इनिशियल में हो सकता है शायद एनएस थोड़ा 1 या 2 मीटर से आगे रहे, या तो हो सकता है बराबर भी रहे, लेकिन 120 के बाद देखते हैं ना, तो आरएस जो है इसकी फेयरिंग की वजह से जो है ये आगे निकल जाती है। लेकिन भाई बजाज का अपना एक टेक्नोलॉजी है, नेकेड बाइक्स भाई उतनी नहीं जाती, लेकिन ये जो है अपडेट के बाद 152 चली जाती है, लेकिन ये अभी भी 147-148 पे जो है इसका लिमिटर हिट कर देता है, तो वो बजाज की अपनी कहानी है। फिलहाल परफॉर्मेंस में दोनों में जो है आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, जितना 200 सीसी में आप प्राइस पे करते दोनों बाइक जो है वैल्यू फॉर मनी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, एनएस में अराउंड 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो है, अराउंड 157 mm का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। सीट हाइट एनएस की 805 mm है, आरएस की 810 mm है, मेरी हाइट है जो वो 5'8" है, तो एक बार जो दोनों का आपको मैं राइडिंग स्टांस दिखा देता हूँ, और सीट हाइट भी देख लीजिए आप, मैंने शूज़ पहने हुए हैं, और दोनों साइड का जो है मेरा टो आ रहा है, एक साइड का फ्लैट फुट आ रहा है, लेकिन अगर ऐसे देखते तो सिर्फ दोनों साइड का टो आ रहा है, तो शॉर्ट राइडर चला सकते हैं, अगर थोड़ा सा स्किल है आपके पास तो डेफिनेटली आप चला सकते हैं। और मैं आपको आरएस पे बैठ के दिखा देता हूँ गाइस, आरएस का भी देख लीजिए, आरएस पे जो है मेरा पैर थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आ रहा है, जबकि सीट हाइट यहाँ पे 810 mm है, वहाँ पे 805 mm है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो आरएस थोड़ा सा ज़्यादा रीचेबल है शॉर्ट राइडर के लिए। और दोनों का राइडिंग पोस्चर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, बजाज की जो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, मतलब इस पावर के साथ इतना कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर भाई सिर्फ बजाज ही देता है। और सीट्स देख सकते हैं, दोनों की जो सीट है थोड़ा सा यहाँ पे आरएस की कुशनिंग ठीक ठाक, लेकिन एनएस में आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर कुशनिंग देखने को मिलता है। दोनों की जो पिलियन सीट है यहाँ पे कोई प्रॉपर ग्रैब रेल नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहीं से जो है मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन जो एनएस है देख सकते हैं, एनएस में आपको यहाँ पे प्रॉपर ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है। दोनों में जो है पीछे से अगर आप देखते हैं तो हम उधर चल जाते हैं, दोनों में अगर आप पीछे से देखते हैं तो टायर हगर और मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। आरएस की टेल लाइट देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, और एनएस की आप देख लीजिए भाई, दोनों की ही ज़बरदस्त है। और पेरीमीटर फ्रेम के साथ आती है दोनों बाइक, तो कितना भी हाई स्पीड में रहिए कॉर्नर करना है अगर टर्न्स लेना है तो जो फ्रेम है ना वो काफ़ी अच्छा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो गैस ये तो रहे जितने भी स्पेक्स थे और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब बात करते हैं दोनों में से किसको कौन सी लेनी चाहिए किसको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए भाई फेयर्ड मोटरसाइकिल है और आरएस में अभी तक जो है कोई अपडेट आया नहीं है ढंग का काफ़ी टाइम से, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप आरएस लेने का ही मूड बना रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आई थिंक दिवाली तक जो है इसका एक प्रॉपर एक नया पूरा इसका रूप देखेंगे। और एनएस का हालांकि जितना भी अपडेट था, अगर आपको एनएस लेना ही है तो अभी जा सकते हैं, क्योंकि इसका जितना भी अपडेट था वो सब आ चुका है, LED DRLs और USD सस्पेंशन सब कुछ आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा नेकेड कैटेगरी पसंद है, आपको थोड़ा सा सिटी राइड्स ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सिटी में ज़्यादा एग्रेशन आपको चलाना है, तो एनएस आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। हाईवे के लिए अगर देखा जाए ना भाई, एकदम स्ट्रेट लाइन, अगर आप 140-145 पे भी रहिए आपको विंड ब्लास्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लगने वाला है, और अगर हाईवे पे बम्स आते हैं हाई स्पीड में ना तो ये काफ़ी अच्छा मैनेज करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन की आप एक तरह से कह सकते हैं ये किंग है 200 सीसी सेगमेंट में। तो ये है भाई, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है आपको बताई,
दोनों में से कौन सी आपको ज़्यादा बेटर, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए भाई इस कंपैरिजन करते हैं, यहीं पे एंड। होप करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।